गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन की परिक्रमा लगाने वाले लाखों यात्रियों के लिए लाने और उन्हें ले जाने को उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की 1000 बसें 24 घंटे सड़कों पर दौड़ेंगी। वहीं कई जिलों की बसें इसमें लगाई जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार लगभग 100 बस रिजर्व में खड़ी रहेंगी। परिवहन विभाग के लगभग 250 कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगाई जा रही है। वहीं शहर के सभी बस अड्डों से बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो, इस बात का पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा। अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। यह आयोजन 15 जुलाई से 22 जुलाई तक जारी रहेगा। मथुरा के गोवर्धन में 15 जुलाई से 22 जुलाई तक लक्की मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। इस पूरे आयोजन में किसी भी सवारी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 1000 बसें 24 घंटे सड़कों पर दौड़ेंगी और यात्रियों को वहाँ गोवर्धन तक पहुँचाएंगी। जबकि इस पूरे आयोजन में करीब 250 कर्मचारियों का पूरा पैनल कार्य करेगा और लोगों को कोई समस्या ना हो, संचालन इस तरीके से हो कि सवारियां अपने समय पर और अपने स्थान तक पहुंच सकें। अगर बात की जाए अन्य चीज़ों की, तो 100 बसें ऐसी रहेंगी जो कि स्टॉक में रहेंगी। अगर कोई गाड़ी ख़राब होती है उसकी जगह उन्हें भेजा जाएगा। जबकि मथुरा का और गोवर्धन का जो किराया है वो 50 रुपये रखा गया। आगरा के सभी बस स्टैंडों से ये बसें लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए तमाम अधिकारी पूरे प्रयास में हैं कि मेले को सफल बनाया जाए। इसलिए 15 जुलाई से 22 जुलाई तक इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं। अपने साथी कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ आशीष पारासर, DG महाराज न्यूज, आगरा।